हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सारे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब की जिंदगियों में हैप्पीनेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, ऐसी हमारी शुभकामना है। लेकिन आज मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जिनके नियर एंड डियर वंस कोविड के दौरान इस दुनिया से चले गए, और उनके घरों में आज दिवाली की वो खुशियां नहीं जो पिछले सालों में रही हैं। इस खुशी के मौके पर एक गम का भी माहौल है, और कुछ देशवासी दिवाली पर भी उतने सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे जितने उन्हें करने चाहिए। कोविड का ख़तरा, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। आर्यन खान के केस में कहानी में रोज कोई ना कोई ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट लाया जाता है ये कहकर कि शायद केस आर्यन खान के खिलाफ मजबूत हो जाए, लेकिन अब तक के जो ट्विस्ट हुए हैं उन ट्विस्ट से एनसीबी डिस्क्रेडिट हो रही है, विटनेसेस की क्रेडिट वर्दीनेस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, और ये बात और जाहिर होती जा रही है कि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं कुछ काला है। ये दाल ही काली नजर आ रही है, कोई दाल में काला नजर नहीं आ रहा। एक पेटिशन फाइल हुई सैम डिसूजा से। आपको मालूम है ये सैम डिसूजा वो कैरेक्टर है जिसका नाम आया था कि साहब बात हो रही थी किसी सैम से, फिर मुलाकात हुई, बात ये थी कि 18 करोड़ में मामला हो, उसमें से 8 करोड़ जो है वो एलिजेडली एनसीबी के समीर वानखाड़े को दिए जाएं। वो सारे प्रश्न मौजूद हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने एक एसआईटी बना दी इस मामले में जो एक्सटॉर्शन के मैटर को देख रही है। अभी मैं आपको एक्सटॉर्शन का लॉ बताने वाला हूं। सैम डिसूजा की बेल की एंटीसिपेटरी पेटिशन 9:30 रात में वेकेशन जजेस ने सुनी। टेक्निकल ग्राउंड पर उसे रिजेक्ट किया गया है कि आप पहले सेशंस कोर्ट नहीं गए, लेकिन विड्रॉल की परमिशन ना दी, वो डिसमिस हुई पेटिशन। अब ये जो कैरेक्टर हैं सैम डिसूजा, इनके ऊपर तो अपने आप प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। इनको ये डर है कि कहीं मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, और इन्होंने अपनी पेटिशन में ये कहा कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े का केस है उसी तरह का मेरा भी मामला है, कहीं मुझे अरेस्ट ना कर लिया जाए, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल लेने हाई कोर्ट पहुंचे। और मुझे ताज्जुब है कि इनकी पेटिशन इतनी जल्दी लिस्ट हुई और रात के 9:30 उसको सुना गया, गो कि वो रिजेक्ट हुई। मामला कुछ ये था कि सैम डिसूजा का ये अचानक अपीयर होना और ये पेटिशन, इसमें कोशिश है समीर वानखेड़े को बचाने की। और उन्होंने कहा कि साहब मैं क्लीन चिट देता हूं। अब सैम डिसूजा की क्लीन चिट कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं कोई भी चीज समीर वानखेड़े के विरुद्ध नहीं कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है कि उस ऑफिसर को हैरेस नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई रियल आदमी जो इसमें गड़बड़ है वो गोसावी है। आपको मालूम है कि गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर शैल ने बड़ा एक एक्सप्लोसिव नोटराइज एफिडेविट दिया जिसमें उसने ये सब कन्वर्सेशन सुने, इतने करोड़ इसको और उतने करोड़ उसको, और डील हो गई, ये सारी बात आई। अब ये कहा जा रहा है, उन्हीं में से एक प्लेयर कह रहा है, डिसूजा साहब कह रहे हैं कि दरअसल गोसावी फ्रॉड था,
और जैसे ही मुझे पता चला कि वो फ्रॉड था, मैं हरकत में आ गया और मैंने जो 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ था उसको वापस करा दिया। अगर ये लेन देन हुआ है तो ये आर्यन खान के विरुद्ध जाएगा, लेकिन इनकी बात पर कानूनन कितना यकीन किया जाएगा, लॉ क्या है, ये मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तो इस कहानी के फैक्ट्स बता रहा हूं डिसूजा की पेटिशन के। उन्होंने साहब, जब मुझे पता चल गया कि ये किरण गोसावी जो है ये फ्रॉड है और इसका मोटिव सिर्फ पैसे लेना है, तो मैंने फौरन कांटेक्ट किया सुनील पाटिल से, जो कि मिडिल मैन है। आ गया बिचौलिया, खुद ही कह रहे हैं कि सुनील पाटिल हैं कोई बिचौली। और साहब वो आ गए और उसके बाद किरण गोसावी से वो जो पैसे दिए गए थे वो वापस पूजा ददलानी को थ्रू हर हस्बैंड दिला दिए। ये भी कहते हैं कि साहब वो किरण गोसावी ने एक फोन नंबर सेव कर रखा था एज SW2 और उन्होंने कुछ ये इंप्रेशन दिया कि ये नंबर समीर वानखेड़े का है और वो समीर वानखेड़े से टच में है, लेकिन ये कि साहब वो ट्रू कॉलर पॉपअप हुआ फौरन और उसने ये बताया कि दरअसल वो नंबर प्रभाकर शैल का है। इन्होंने कहा, देखिए साहब, समीर वानखेड़े के बारे में ये बात हुई है ना कि उसे अरेस्ट करने से कम 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, तो उसी तरीके का मामला जो है वो मेरे बारे में भी होना चाहिए। आपको मालूम है कि इस केस में गोसावी के खिलाफ चीटिंग का मामला पुणे में है, उन्हें अरेस्ट किया गया है और उस केस में हाई कोर्ट से सरकार ने और पुलिस ने ये कह दिया था कि हम समीर वानखेड़े को अरेस्ट से पहले 3 दिन का नोटिस दें। अब जो इस पूरी कहानी में एक मोड़ है वो ये कि साहब ये ददलानी जो हैं शाहरुख खान की मैनेजर, ये मिली, ये डिसूजा साहब जो हैं ये स्टोन माइनिंग के बिजनेस में हैं और ये जो सुनील पाटिल हैं ये मिडिलमैन कहे जा रहे हैं। और अक्टूबर 1 की बात हो रही है, जरा देख लीजिए जो बहस हुई है आर्यन खान के केस में, उसमें एनसीबी के वकील ने बड़ा आर्गू किया कि 2 अक्टूबर को तो ये सब ना करते गंदे काम बुरे काम। यहां बात 1 अक्टूबर को हो रही है और इस 1 अक्टूबर को डिसूजा साहब ये कह रहे हैं कि पाटिल, सुनील पाटिल, कौन पाटिल, बिचौलिया, उसने ये बताया कि कोई ड्रग का मामला है, सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं, क्रूज का मामला है। और उसने ये कहा कि साहब इस पर डिसूजा कहते हैं कि उन्होंने पाटिल को एनसीबी का नंबर दे दिया। तो ये तो साबित हो गई बात के साहब डिसूजा के पास एनसीबी के लोगों का नंबर था जो उन्होंने एक बिचौलिया को दे दिया। फिर डिसूजा साहब को यह पता चला के पी गोसावी और मनीष भौशली से कि साहब ये जो ड्रग का मामला है इसमें कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी भी इन्वॉल्व है। और फिर यह बात हुई कि साहब ददलानी से बात की जाए और गोसावी ने यह कहा कि आर्यन खान के पास ड्रग नहीं थे, वो इनोसेंट है। आप देखिए 1 तारीख को बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ड्रग्स नहीं है। कौन कह रहा है? किरण गोसावी। और साहब किरण गोसावी ने इनको कन्विंस कर दिया कि साहब आर्यन खान की मदद की जाए और इस सिलसिले में पूजा ददलानी से बात की जाए। अब पूजा ददलानी को कांटेक्ट किया गया एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए और उनसे साहब, ये म्यूचुअल फ्रेंड भी कोई होटल वगैरह चलाते हैं, उनसे साहब मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ददलानी के हस्बैंड भी प्रेजेंट थे और उसमें भी ये बात रिपीट की गई कि आर्यन खान इनोसेंट है, उसके पास से ड्रग्स नहीं मिले हैं और उसको इस सिचुएशन से हम निकाल सकते हैं।
आप देखिए कि सारी बातें हो रही हैं और फिर डिसूजा साहब ये कहते हैं कि साहब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं तो बिल्कुल सदमे में आ गया जब मैंने देखा कि आर्यन खान के खिलाफ FIR हो गई, डील हो रही थी या हो गई थी एलिजेडली, उसके बाद में ये आ रहा है इनको कि FIR हो गई। अब जाहिर है कि इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि शायद डील में उतना पैसा नहीं लेन देन हो पाया जितना चाहते थे लोग, और उसके बाद इनको ये पता चला डिसूजा को कि गोसावी ने 50 लाख ददलानी से ले लिए प्रभाकर शैल के जरिए, उसका एक्सप्लोसिव एफिडेविट, गोसावी चीटिंग में फंस गए। पूरी कोशिश ये है डिसूजा की कि गोसावी और शैल के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएं, और इसलिए क्लियरली कह रहे हैं कि साहब गोसावी फ्रॉड था, इसलिए इन्होंने इंश्योर किया कि वो पैसा वापस हो जाए। पेटिशन तो डिसमिस हो गई 9:45 पर रात में, ये बात मानी नहीं गई कि जो समीर वानखेड़े का जैसा मामला है वैसे ही इनका भी मामला है, इसलिए इन्हें भी 3 दिन का नोटिस दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि 50 लाख की लेन देन अगर हुई तो ये इस केस में आर्यन खान के विरुद्ध जाएगी बात। लेकिन जो कुछ ये कह रहे हैं डिसूजा या गोसावी या प्रभाकर शैल, उसको कितना यकीन किया जाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आके देख लें कि ये लॉ इस मुद्दे में क्या कहता है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि इस केस में कुछ एक्सटॉर्शन का मामला लगता है। एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 में है इंडियन पीनल कोड के, और इसकी भी 3 साल सजा है 384 में। और इसमें क्राइम ये है कि अगर आपने किसी आदमी को इंटेंशनली एक डर और खौफ में डाला कि उसको या किसी और को कोई इंजरी हो सकती है, और इस डर और खौफ के बिना पर डिसऑनेस्टली आपने उस आदमी को डरा कर उससे कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले ली, कोई प्रॉमिसरी नोट ले लिया, तो फिर ये मामला एक्सटॉर्शन बन जाता है। इस केस में ये नजर आ रहा है, इसलिए एक महाराष्ट्र सरकार की SIT प्रूव कर रही है एक्सटॉर्शन का एंगल कि क्या एक सेलिब्रिटी को जिसका बर्थडे था, और आपने देखा क्या क्या लोगों ने शाहरुख खान के बारे में लिखा और कहा, अंदाजा लगाइए कि किस ग्रेस से उस आदमी ने अपने आप को कंडक्ट किया। बुराइयों के बजाय और तारीफें मिल गईं, शिकारी खुद शिकार होते नजर आ रहे हैं केस में। जो दूसरे के लिए फंदा डालते हैं वो खुद अक्सर फंदे में लटक जाते हैं। तो इस मामले में ये जो विटनेसेस बनेंगे अब, वो चाहे प्रभाकर शैल हों, वो चाहे गोसावी हों, वो चाहे डिसूजा हों, वो चाहे अब समीर वानखेड़े हों, उनके ऊपर तो सीधे सीधे सेक्शन 155 इंडियन एविडेंस एक्ट का लग जाएगा। सेक्शन का ये कहता है कि किसी भी गवाह को आप उसकी एविडेंस के क्रेडिट को इम्पीच कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये गवाह रिलायबल नहीं है, ये झूठा है, इसकी बातें इनकंसिस्टेंट हैं। और अगर किसी की गवाही पर कोर्ट यकीन करते हुए डरे तो समझ लीजिए कि केस प्रोसिक्यूशन का खराब और एक्यूज के फेवर में हो रहा है, यानी ये फिर आर्यन खान के फेवर में चली जाएंगी बातें। किसी भी विटनेस के क्रेडिट को इंपीच किया जा सकता है एविडेंस देकर
कि ये आदमी जो गवाही दे रहा है, अब जो दूसरे लोग गवाही देंगे उनकी नॉलेज में है कि ये विटनेस है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। जो कुछ आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस कहानी में, आपको इन विटनेसेस पे यकीन होना और किसी भी जज को, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन को, एक रीजनेबल मैन को मुश्किल होगा। तो एविडेंस हो सकती है किसी भी आदमी की जो ये कहेगा अपनी नॉलेज से कि वो बिलीव करता है कि ये विटनेस अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। यहां क्या हो रहा है कि सब एक दूसरे के ही खिलाफ बोल रहे हैं। प्रभाकर शैल इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, डिसूजा प्रभाकर शैल पे लगा रहे हैं, गोसावी पर लगा रहे हैं। दूसरी जो ग्राउंड दी हुई है सेक्शन में, बाई प्रूविंग दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड और हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब और हैज रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव दैट एविडेंस। बिल्कुल क्लियर जो डिसूजा का मामला लग रहा है कि ये समीर वानखेड़े को बचाने के लिए। गोसावी की बात पे कैसे यकीन किया जाएगा अगर ये बात सच है कि 50 लाख लिए गए और वापस किए गए। तीसरी ग्राउंड जो मैं दी है, by proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted। ये इस तरह के विटनेसेस हैं कि आर्यन खान के साथ सेल्फी लेके वायरल कर रहे हैं। मौजूद कैसे थे ये लोग वहां पर। और चौथी ग्राउंड है, इनफैक्ट ग्राउंड थी 2003 तक, कि अगर कोई रेप का मामला है, किसी की इज्जत लूटे जाने का मामला है, उसमें उस विक्टिम लड़की की एविडेंस का क्रेडिट इंपीच किया जाता था एक रिग्रेसिव और रॉन्ग लॉ के तहत बाय सेइंग कि उसका जनरली इमोरल कैरेक्टर है। यह बहुत ही गलत किस्म का प्रावधान था। कितने रेप के केसेस में जो विक्टिम है उसके कैरेक्टर पर और चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाकर रेपिस्ट छुट गए। दामनी फिल्म में आपने देखा होगा कि अमरेश पुरी किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। ये इस प्रावधान की वजह से वैसा क्रॉस एग्जामिनेशन होता था। 2003 में इस प्रावधान को डिलीट कर दिया गया। मैं समझता हूं कि इस पूरे आर्यन खान के मामले में कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, अभी पूरा सच सामने नहीं आया, लेकिन जो निकल निकल कर छन छन के बातें आ रही हैं उसमें यह बिल्कुल साफ है कि प्रोसिक्यूशन और एनसीबी एक ऑनेस्ट इंटेंशन से ड्रग ट्रैफिकिंग के किसी बहुत बड़े इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने नहीं जा रहे थे। मामला बहुत छोटा था, स्मॉल क्वांटिटी का कंजम्पशन था। आर्यन खान के पास ना पोजेशन था ना कंजम्पशन था। जिसको पेडलर कहा गया उसको बेल देते हुए जज पाटिल ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है उसके पेडलर होने की। पुरानी व्हाट्सएप चैट्स थी, लेकिन पूरे देश का अटेंशन इस केस ने ले लिया। इंपॉर्टेंट केसेस पर से लोगों का अटेंशन हट गया। ठीक है, अब बेल मिल गई, लेकिन जैसा जस्टिस लोकुर ने कहा, देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको झूठे क्रिमिनल केसेस में फंसाया गया है और उनके बेल के केसेस सुने भी नहीं जा रहे और उनको महीनों लग जा रहे हैं बेल मिलने पर। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। ड्रग से दूर रहें और व्हाट्सएप चैट में केयरफुल रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।